हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से आज हम लोग जिस औषधीय वनस्पति की पहचान कर रहे हैं उसका नाम है पताल कुमड़ा। पताल कुमड़ा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि पताल कुमड़ा, बिदारी कंद, बिलाई कंद, कासीर और इक्षु गदा के नाम से इसको जाना जाता है हिंदी में, ठीक है मित्रों। और इस वनस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कुड़जू। और इस वनस्पति का जो वैज्ञानिक नाम है वो है परोरिया टबुरोसा। और इस वनस्पति में प्रमुख रूप से जो रसायन पाए जाते हैं वो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बहुत बहुत सारे अरालीय तत्व पाए जाते हैं, ठीक है मित्रों। और ये तकरीबन तीन प्रकार में पाया जाता है, इसके कंद लाल, सफ़ेद व पीला। इसका स्वाद जो होता है तकरीबन कसाई और मिठास रूप में होता है। और इस वनस्पति का औषधि प्रयोग करने के लिए किन किन रोगों में इसका औषधि प्रयोग करते हैं मैं उनके बारे में जानकारी बता दे रहा हूँ, जैसे कि शुक्रवर्धक, मूत्रकच्छ, पित्तशूल, चोट चोट से कहीं एक्सीडेंटल कहीं कि चोट चोट से शरीर से खून बहना या घाव से खून बहना, इस प्रकार से रोगों में इसका रामबाण औषधि का प्रयोग किया जाता है। अतिसार, पेचिस संबंधित पेट खराबी जैसे रोगों में भी इसका औषधि प्रयोग किया जाता है। साधारण ज्वर बुखार और विषम ज्वर में भी इसका औषधि प्रयोग करते हैं, जैसे कि शीत शीत ज्वर, मोती झरा, इस प्रकार से रोगों में इसका औषधि प्रयोग करते हैं। और इस वनस्पति का जो औषधि प्रयोग करने से कोई साइड इफेक्ट किस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका ये पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण बल देता है। दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ करने में रामबाण औषधि का काम करता है मित्रों, ठीक है। बहुत ही ये वनस्पति जो है विलुप्त के कागार पर जा चुका है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है मित्रों। और यह शरीर को पुष्ट करता है और रक्त कल्पा जैसे संबंधित जो रोग होती हैं जिनमें खून की कमी बनती रहती है उन रोगों में भी इसका रामबाण औषधि प्रयोग करते हैं मित्रों, ठीक है। कहीं कहीं उदाहरण हैं कि इसका आध्यात्मिक प्रयोग भी करते हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।